तो प्यारे साथियों नमस्कार, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास टेंथ के चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन पाठ के मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की शुरुआत। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मोटर लाइट की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी अब तथा विकर्ता त्रिज्या आर हो तो क्या होगा, इसमें क्या संबंध होगा? तो अब बराबर आर बाई टू इसका जो संबंध होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 3, दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, ये गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के संबंध है, तो एफ बराबर आर बाई टू इसमें संबंध है। क्वेश्चन नंबर 5, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। क्वेश्चन नंबर 6, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की क्षमता होगी, तो 1 मीटर वाले फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 1D होती है, 1 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 7, अवतल दर्पण की परावर्तन के बाद किरण बिंदु से होकर गुजरती है, तो अवतल दर्पण के समांतर आने वाली किरणें फोकस बिंदु से निकलती है की ओर से जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी दर्पण से वस्तु से कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण होगा समतल, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, किसी भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, तो हमेशा प्लस वैल्यू की होती है। क्वेश्चन नंबर 10, किसी भी लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, तो ये अवतल दर्पण द्वारा हमेशा बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के नियम के 2 नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण करण संभव है प्रिज्म में। क्वेश्चन नंबर 13, सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का इसमें यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, गोलीय दर्पण की वक्रता जी 50 सेमी है, तो फोकस दूरी होगी 25 सेमी, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 1 मीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, तो 1 डायोप्टर, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, किसी दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल में सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश वेग न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है कांच के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता? तो इन चारों में से लेंस बनाने प्रयुक्त मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19, 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है, तो 4 डायोप्टर वाले अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 20, जब प्रकाश किरण हवा के कांच प्रेस करे तो मुड़ जाती है, तो ये अभिलंब के निकट पहुँच जाती है, इसका आंसर हो जाएगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।